दोस्तों जब भी कभी हमें लैपटॉप लेना होता है तो नॉर्मली हम इस तरीके के वीडियोस जरूर देखते हैं कि बेस्ट लैपटॉप अंडर 40,000, 30,000, 25,000 जो भी हमारी रेंज होती है उसके हिसाब से हम जो है वीडियो जरूर देखते हैं। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि वो वीडियो देखने के बाद भी हमारे जो डाउट्स हैं वो क्लियर नहीं होते हैं, क्योंकि वो चार पांच जो लैपटॉप बताए जाते हैं उस वीडियो के अंदर हमें थोड़ा सा डाउट ये रहता है कि हमारे लिए कौन सा लैपटॉप जो है वो बेस्ट होने वाला है। तो इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि कौन सा लैपटॉप आपके लिए बेस्ट हो सकता है। मैंने इस वीडियो को तीन कैटेगरीज में बांटा है, एक तो स्टूडेंट्स के लिए या डेली यूज के लिए, तो स्टूडेंट्स होते हैं उनका क्या यूज होता है उसके हिसाब से मैंने लैपटॉप जो है अलग कर लिए हैं, या डेली यूज जो लोग करते हैं जो ज्यादातर इंटरनेट पे यूज करते हैं या फिर नॉर्मल एप्लीकेशन का यूज करते हैं तो उसको मैंने अलग कर दिया है। दूसरी मैंने कैटेगरी बनाई है कि जो बिजनेस जो प्रोफेशनल्स होते हैं जिनको प्रेजेंटेशंस देनी होती है, शेयर मार्केट का काम होता है या फिर कुछ ऐसी एक्टिविटीज होती है कि काफ़ी सेंसिटिव उसके अंदर हो जाता है कि बिजनेस इज़ लाइक कि डेटा इंपॉर्टेंट है काफ़ी उनका और काफ़ी हद तक जो सेफ़ और सिक्योर होना चाहिए उनका लैपटॉप। और तीसरी जो कैटेगरी है वो है स्पेशलाइजेशन की तरफ। स्पेशलाइजेशन की अगर मैं बात करूँ तो मान लीजिए आप फोटोशॉप इस्तेमाल करते हैं या फिर एडिटिंग के लिए लेना चाहते हैं, गेमिंग के लिए लैपटॉप लेना चाहते हैं, ऑटो कैड आप इस्तेमाल कर रहे हैं, तो एक स्पेशलाइजेशन की तरफ चला जाता है और वहाँ पर लैपटॉप जो है एकदम अलग कॉन्फ़िगरेशन का होता है। तो इन कैटेगरीज को ध्यान में रखें मैंने ये सीरीज़ जो है बनाई है, आपके जो वीडियो में बना रहा हूँ। इसके अलावा मैंने बेस्ट लैपटॉप अंडर 25,000, 20,000, 30,000 मैंने अलग अलग वीडियोस बना रखे हैं, उनके लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा या फिर ऊपर आई बटन में भी आपको दे देता हूं। तो आपका बजट अगर इससे अलग है तो आप वो वीडियोस भी जाके देख सकते हैं। मेरा नाम है संदीप दोस्तों और चैनल का नाम है टेक वानी। बिना वक्त गवाए वीडियो को फटाफट स्टार्ट करते हैं और मैं आपको डिटेल में हर एक लैपटॉप की स्पेसिफिकेशन स्क्रीन पर दिखा देता हूं ताकि मैं बोलता भी रहूं तो आप साथ में उसको रीड भी कर सकें और आपके लिए काफ़ी इजी रहे। सो दोस्तों पहले अगर लैपटॉप की बात करूं तो वो है लेनोवो का आइडियापैड 330 और ये इंटेल के कोर i5 प्रोसेसर की 8th जनरेशन के ऊपर चलता है। काफ़ी अच्छी स्पीड इसके अंदर आपको मिलने वाली है, साथ ही आपको 8GB के रैम का सपोर्ट इसके अंदर आपको देखने को मिल जाएगा जिसको आप 12GB, 16GB या 32GB तक बढ़ा सकते हैं। तो काफ़ी अच्छी अपग्रेड आपको देखने को मिलती है, लेटेस्ट आपको प्रोसेसर देखने को मिलता है 8th जनरेशन का, 1TB की आपको हार्ड ड्राइव इसके अंदर देखने को मिल जाएगी, तो काफ़ी अच्छा स्पेस आपको इस लैपटॉप के अंदर मिल जाता है। दोस्तों इस लैपटॉप के अंदर आपको 15.6 इंच की फुल HD स्क्रीन देखने को मिलने वाली है, साथ में जिसमें एंटी ग्लेयर कोटिंग आपको देखने को मिल जाएगी, तो आपकी आंखों पर जो है वो असर नहीं पड़ेगा अगर आप ज़्यादा देर तक भी किसी लैपटॉप को इस्तेमाल करते हैं। अगर वेट की बात करूँ तो तकरीबन 2 किलो का इसका वेट होने वाला है और 5.5 घंटे का आपको बैटरी बैकअप इसके अंदर देखने को मिल जाता है। 1 ईयर का आपको इसके अंदर आपको वारंटी मिलने वाली है और लेनोवो की वारंटी के अंदर क्या है कि आपके घर पे आके भी सर्विस आपकी मिल जाती है, साथ ही सर्विस सेंटर पे तो आपको मिल ही जाती है। ब्रांड काफ़ी अच्छा है तो आफ्टर वारंटी भी मतलब 1 साल पूरा होने के बाद भी आपको पार्ट्स ईजिली अवेलेबल हो जाते हैं। साथ ही लैपटॉप में आपको लगभग सभी पोर्ट्स देखने को मिल जाएंगे, जैसे आपको DVD राइटर भी आपको देखने को मिलता है जो रीड राइट दोनों करेगा, USB-C का सपोर्ट आपको देखने को मिल जाएगा, USB 3.0 का सपोर्ट भी आपको देखने को मिल जाएगा, कार्ड रीडर भी आपको देखने को मिल जाएगा 4-in-1 का, बाकी LAN, Wi-Fi, ब्लूटूथ, वेबकैम वगैरह तो आपको मिलने ही वाला है। दोस्तों ये लैपटॉप जो है आपको 39,300 का मिल जाएगा, लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ, आप जाके पूरी डिटेल उसकी देख सकते हैं। अगर मैं इस लैपटॉप की बात करूँ तो स्टूडेंट्स के लिए भी काफ़ी अच्छा है, डेली यूजर्स के जो लोग करते हैं उनके लिए भी काफ़ी अच्छा है और प्रोफेशनल्स के लिए भी काफ़ी अच्छा है जो कि वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट यूज करते हैं, इंटरनेट यूज करते हैं, साथ में प्रेजेंटेशंस उनको बनानी होती है। स्पीड काफी अच्छी देखने को मिल जाएगी, अगर आप स्टॉक मार्केट का काम करते हैं तो डेफिनेटली वहां पर भी आपको लैग देखने को नहीं मिलेगा। तो काफी अच्छा ब्रांड है, सेफ आपको ये लैपटॉप देखने को मिलेगा, अच्छी आपको सर्विस भी देखने को मिलेगी। तो अगर आपका बजट 40,000 के आसपास है और आप स्टूडेंट हैं या डेली यूज़ करते हैं या प्रोफेशनल है तो आप इस लैपटॉप के लिए जा सकते हैं, स्पीड में या काम में आपको कोई भी कमी देखने को नहीं मिलेगी। और हम मूव ऑन करते हैं अपने नेक्स्ट लैपटॉप की तरफ। दोस्तों अगला लैपटॉप भी लेनोवो का ही है, लेनोवो आइडियापैड 320E और ये आपको 39,900 का मिल जाएगा, जिसके अंदर आपको कोर i5 का प्रोसेसर ही देखने को मिलता है, 4GB के अंदर आपको रैम देखने को मिलेगी और 1TB की हार्ड ड्राइव, जो एक बहुत अच्छी बात है कि इसके अंदर आपको 2GB का NVIDIA का ग्राफिक कार्ड देखने को मिलता है। रैम आप 8GB, 12GB या 16GB तक आराम से बढ़ा सकते हैं। तो अगर आप गेमिंग का शौक रखते हैं या फिर आप एडिटिंग का शौक रखते हैं तो ये लैपटॉप आपके लिए काफ़ी अच्छा हो सकता है। 15.6 इंच की आपको HD स्क्रीन देखने को मिल जाएगी और HD वेबकैम आपको देखने को मिल जाएगा, साथ ही आपको 5 घंटे से भी ज़्यादा का बैटरी बैकअप देखने को मिलता है, DVD रीड राइट दोनों ये लैपटॉप करता है और इसके अंदर आपको बाकी सारे पोर्ट्स देखने को मिल जाएंगे, इसे ब्लूटूथ, कार्ड रीडर, वाईफाई, लैन, मॉडेम वगैरह, तो अपने आप में एक कंप्लीट लैपटॉप है। और अगर आप गेमिंग में बिलीव करते हैं, एडिटिंग में बिलीव करते हैं, अगर आपको एक ऐसा लैपटॉप चाहिए जो आपका एक अच्छी खासी गेमिंग भी आपको करके दे दे, यानी कि GTA, YCT या PUBG वगैरह भी आप आराम से उसमें खेल सके, या फिर जैसा मैं YouTube पे अभी वीडियो बना के एडिट करके ये पब्लिश कर रहा हूँ और आप देख पा रहे हैं, तो ऐसा भी अगर आपको करना है तो भी ये लैपटॉप आपके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। 40,000 की रेंज से नीचे में अगर आप इसमें लगभग सभी काम कर पाएंगे, सर्फिंग वगैरह, इंटरनेट की, गेमिंग वगैरह और एडिटिंग वगैरह, तो ये लैपटॉप के लिए आप जा सकते हैं, इसका लिंक भी मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ।
और हम बात करते हैं अभी तीसरे लैपटॉप के बारे में। दोस्तों तीसरा जो लैपटॉप है वो डेल इंस्पिरोन का 15 है। ये 15 सीरीज होती है। एग्जैक्टली मॉडल जो है वो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आप क्लिक करके रिडायरेक्ट हो जाएंगे उस वेबसाइट पे जहां पर भी ये मिलता है। ये लैपटॉप भी आपको 39,000 की रेंज में देखने को मिल जाएगा, जो कि कोर i5 प्रोसेसर में 7 जनरेशन में देखने को मिलता है। और अच्छी बात यह है इसकी स्पीड जो है वो 3.2 गीगाहर्ट्ज़ तक जाती है, जो कि काफ़ी अच्छी स्पीड आपको देखने को मिल जाएगी। 1 TB की इसमें आपको हार्ड ड्राइव देखने को मिलती है, जो कि काफ़ी अच्छा स्पेस है। 4 GB की आपको रैम देखने को मिलेगी, जो अगेन मैं आपको बोलता हूँ 8 GB 12 GB अपने हिसाब से आप उसको अपग्रेड भी कर सकते हैं। और 15.6 इंच की आपको HD स्क्रीन देखने को मिलने वाली है। दोस्तों इसके अंदर भी आपको 2 GB का AMD का रेडियन M340 का ग्राफिक कार्ड देखने को मिलता है, जो काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस आपको दे देगा। वेट इसका लगभग 2 kg, मतलब कि 2 किलो 300 ग्राम के आसपास होने वाला है, तो ठीक ठाक सा वेट है इसका, क्योंकि इसमें कॉन्फ़िगरेशन काफ़ी हाई है। AMD का आपको ग्राफिक कार्ड देखने को मिलता है। तो ये लैपटॉप भी कुछ ऐसा है कि आप गेमिंग और एडिटिंग दोनों कर सकते हैं, साथ में जो नॉर्मल काम है वो तो इसके अंदर हो ही सकते हैं। 39,000 रुपीज़ की रेंज के अंदर आपको मिल जाएगा। और अगर आप लाइव स्ट्रीमिंग करना चाहते हैं गेमिंग वगैरह की, तो वो भी इसके अंदर पॉसिबल है। अच्छा वेबकैम इसके अंदर लगा हुआ है, तो आप इस लैपटॉप के लिए भी जा सकते हैं। और अब हम मूव ऑन करते हैं अपने नेक्स्ट लैपटॉप की तरफ। सो दोस्तों अगर आप एक कॉलेज गोइंग स्टूडेंट है और काफ़ी लंबे टाइम तक लिए एक लैपटॉप चाहते हैं जो कि सॉलिड ब्रांड का हो, तो HP 15 सीरीज का ये लैपटॉप है B5669TU। 38,000 रुपये की रेंज के अंदर आपको देखने को मिल जाता है। काफ़ी अच्छी इस पर सेल चलती रहती है। फिलहाल करंटली 38,000 की रेंज में है, लेकिन नॉर्मली आपको जब सेल चल रही होती है तो 36 के आसपास में भी देखने को मिल जाता है। इसके अंदर आपको 7th जनरेशन का कोर i5 प्रोसेसर देखने को मिल जाएगा, जो कि 2.5 GHz की फ्रिक्वेंसी पर चलता है। 3 MB की L2 कैश मेमोरी इसके अंदर देखने को मिल जाएगी। HP के लैपटॉप्स में नॉर्मली काफ़ी अच्छा बैटरी बैकअप आपको देखने को मिलता है, तो 5 से 6 घंटे का बैटरी बैकअप आप इजीली इसके अंदर आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। 4 GB की इसमें आपको रैम देखने को मिलेगी और 1 TB की आपको हार्ड ड्राइव देखने को मिलेगी। दोस्तों इसके अंदर आपको इंटेल का HD 620 का ग्राफिक्स देखने को मिल जाएगा। ये एक इंटीग्रेटेड ग्राफिक्स है, तो इसको आप उस तरीके से मत देखिएगा जैसे 2 GB का ग्राफिक कार्ड या डेडिकेटेड जो ग्राफिक कार्ड होते हैं, उतनी अच्छी परफॉर्मेंस आपको देखने को नहीं मिलती है। लेकिन आपको इंटीग्रेटेड ग्राफिक्स है, तो नॉर्मल काम आपको काफ़ी अच्छे करने को मिल जाएंगे। DVD रीड राइट का सपोर्ट आपको देखने को मिलेगा। साथ ही इसके अंदर आपको विंडोज 10 का सपोर्ट देखने को मिल जाएगा, मतलब प्री इंस्टॉल्ड विंडोज के अंदर आपको देखने को मिलती है। 15.6 इंच की फुल HD स्क्रीन आपको देखने को मिल जाएगी, जिसके अंदर एंटी ग्लेयर कोटिंग आपको मिल जाती है, तो आंखों पर इतना जोर नहीं पड़ता है। तो अगर आपका डेली यूज़ है, आप स्टूडेंट है, हाउसवाइफ है, या फिर आप नॉर्मली लैपटॉप पे ज़्यादा नेटफ्लिक्स या अमेजोन प्राइम वगैरह देखना पसंद करते हैं, तो इस लैपटॉप के लिए जा सकते हैं। HP का ब्रांड जो है वो काफ़ी ट्रस्टफुल ब्रांड है, आप इस पर ट्रस्ट कर सकते हैं। और लॉन्ग टर्म के लिए चलने के लिए ये लैपटॉप जाने जाते हैं, सालों साल ये लैपटॉप चलते हैं। तो इस लैपटॉप के लिए अगर जा सकते हैं, अगर आप एक लंबे टाइम के लिए सोचते हैं कि अभी कॉलेज में एडमिशन ले रहा हूँ, हो थर्ड ईयर तक भी आराम से चले, तो डेफिनेटली HP के ब्रांड पर आप भरोसा कर सकते हैं। मैंने पिछले कई सालों तक लैपटॉप जो है यूज़ करे, काफ़ी सारे मैंने लैपटॉप यूज़ करे जिनमें मैंने ट्रस्टफुल देखा कि HP का लैपटॉप और डेल का लैपटॉप, डेफिनेटली ये ब्रांड काफ़ी स्ट्रॉन्ग ब्रांड है। सो दोस्तों इस वीडियो में मैंने ध्यान रखा है कि वो ब्रांड मैं आपके साथ शेयर करूँ जो कि ब्रांड काफ़ी सॉलिड है। तो आपने देखा होगा मैंने डेल, HP या लेनोवो के लैपटॉप लिए हैं, हालांकि बहुत सारे ब्रांड और भी अवेलेबल होते हैं। हालांकि मैं ये नहीं कहूँगा कि उनमें से कुछ ब्रांड सॉलिड नहीं है, हैं, लेकिन इन ब्रांड्स के आप सर्विस पे, पार्ट्स पे या गारंटी पे बिल्कुल भरोसा कर सकते हैं, आपको डेफिनेटली अच्छा मिलने वाला है। उम्मीद करता हूं दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। और कुछ चीज़ें मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं वीडियो खत्म करने से पहले। पहली चीज़ तो ये कि अगर आप एक लैपटॉप खरीदना चाहते हैं, तो कोशिश कीजिएगा जो क्रोमबुक वगैरह होती है उस पर ना जाए, क्योंकि वो उनके लिए अच्छा है जो घर पे सिर्फ YouTube या Netflix देखना चाहते हैं। अगर आपको प्रोफेशनल काम करना है, तो आपको एक प्रॉपर लैपटॉप ही लेना पड़ेगा। दूसरी बात यह है कि अगर आपका बजट जो है वो ऊपर जाता है, 40,000 रुपये से भी ऊपर जाता है, तो एडिटिंग के अंदर जो है मैकबुक काफ़ी अच्छा आपको एक ऑप्शन देखने को मिलेगा। हालांकि गेमिंग आप मैकबुक में इतना अच्छा एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं, वहाँ पर आपको एडिटिंग का काम काफ़ी अच्छा देखने को मिल जाएगा। तो बजट अगर आपका ऊपर जा रहा है, तो आप मैकबुक के लिए जा सकते हैं। बाकी विंडोज़ के लैपटॉप की बात करें या डेल, HP, लेनोवो की बात करें, तो उसके अंदर जो 40,000 में बेस्ट लैपटॉप हो सकता है मैंने आपको सजेस्ट कर दिए हैं। उम्मीद करता हूं वीडियो आपको पसंद आएगा। यार अगर आप मेहनत मेरी पसंद आ रही, तो लाइक ज़रूर करना वीडियो को, और सब्सक्राइब करोगे तो मुझे काफ़ी अच्छा लगेगा। इसी तरीके की वीडियोज़ देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मैं मिलता हूँ आपसे जल्दी ही नेक्स्ट वीडियो के अंदर।